नमस्कार दोस्तों, 25 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाता है मेरे करंट अफेयर्स के बेसिस पर। यहाँ पर देखो दोस्तों, कल एक स्टूडेंट ने मेरे वीडियोस पर कमेंट किए हैं, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, उनमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सर, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का एग्ज़ाम था, सारा करंट अफेयर्स आपके वीडियो से ही पूछा गया था पहली फेज़ में, तो सर सेकेंड फेज के लिए भी, और आपके पीडीएफ पूरे कैसे मिलेंगे ये आप मुझे बता दीजिए। देखो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मैं पूरे दिन में सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत से वीडियो बनता होगा। अगर अब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना फंसे तो फिर मेरे वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं डेफिनेटली आपसे कहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया का, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देना हूँ, जिनको भी ज़रूरत हो वो उसे परचेज कर सकते हैं। तो देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। देखो क्वेश्चन ये बना है कि दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वंडर्स हैं उन सभी की ये जो प्रोटोटाइप आपको दिख रही होगी, ये जो फोटो है, ये सभी वंडर्स जो हैं वो एक ही जगह पर लगे हुए हैं, और ये सब जो वंडर्स हैं ये स्क्रैप मटेरियल से बनाए गए, यानी कि कूड़ा कचरा या जो सामान आप फेंक देते हैं उनसे बनाए गए हैं। तो इनको लेकर क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में एक पार्क बनाया गया है जिसका नाम है वेस्ट टू वंडर पार्क, और इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। इस पार्क की खासियत ये है कि दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं उन सबको एक ही जगह बनाया गया है, और इनको खास बात है कि स्क्रैप से बनाया गया है। तो यहाँ पर बहुत से दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर इसका इसको घूमने देखने आ रहे हैं। आप भी अगर दिल्ली के आसपास एरिया में हैं तो आप भी जाकर इसको जरूर देख कर आना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको जो बनाया है वो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बनाया है, और ये विश्व के 7 अजूबों में से एक है। 7 अजूबे जो हैं सबको एक ही जगह पर बना दिया गया है, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करने आ रहे हैं क्योंकि ऐसी अनोखी चीज़ आपको आसानी से मिलती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा कि 14वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस है ये कहाँ पर शुरू करी गई है। तो 14वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस है इसको दिल्ली में शुरू किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, कृषि से रिलेटेड आपको एक फोटो दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो 14वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस है इसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, इसमें किया जाएगा कृषि के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, उत्तम किस्म के बीजों को कैसे बनाया जाए, उत्तम किस्म की फसल कैसे बनाई जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वर्ड्स इन द गार्डन, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे वर्ड्स इन द गार्डन, उत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा संस्करण है इसको भी दिल्ली में शुरू किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्चुअली में ये जो कार्यक्रम है वर्ड्स इन द गार्डन, ये बेसिकली महात्मा गांधी जी की थीम पर आधारित होता है, जिसमें यहाँ पर इसका फोटो देख लो, 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, और नीचे देखिए महात्मा गांधी जी की फोटो भी लगी हुई है, उन्हीं के ऊपर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्ट में महात्मा गांधी के जितने भी विचारधारा हैं उनको पेश किया जाता है, उस पर नाटक बनाए जाते हैं, कविताएं बोली जाती हैं, पाठ होते हैं, चर्चाएं होती हैं, उनके जो सिद्धांत हैं उन सभी चीज़ों पर डिस्कशन होता है। तो कह सकते हो कि महात्मा गांधी के ऊपर ही ये समर्पित होता है। इसीलिए एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये जो इवेंट है वर्ड्स इन द गार्डन, इसके संस्करण जो तीसरा संस्करण है उसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम जाहिर सी बात है गांधी जी के ऊपर ही होगी, तो इसकी थीम है बापू की दिल्ली, बापू की दिल्ली इसका थीम हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि जो भी मैं करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो मैं डेली बेसिस पर टेलीग्राम पर भी इसको शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको फ्री में ये मिलता रहेगा। क्वेश्चन है, किस नवरत्न कंपनी के द्वारा देश में बनाया गया
एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर जिसको बोलते हैं AWG, वायुमंडल की नमी से पानी बना सकता है। तो इसको डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। एक ऐसी मशीन है जो कि वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देती है पीने वाले पानी में। और इस डिवाइस का नाम क्या है? एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। किसने बनाया है? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी मशीन, ये जो मशीन लगी है उसी मशीन से वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो पानी पीते हुए, जो कि इसी मशीन से बनाया गया है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसके बारे में मैंने बहुत सारा डिटेल दिया है जिसको आप PDF में पढ़ सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो भी आपका नमी होती है उसको सोख लेता है और उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो वो पानी बनता है वो जाहिर सी बात है पीने के योग्य तो होगा नहीं, तो सबसे पहले उसका शुद्धिकरण होता है, मतलब उस पानी को प्रोसेस किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसके अंदर के बैक्टीरिया वगैरह को हटा दिया जाता है। उसके बाद में उस पानी में एक उसी मशीन में एक खनिज वाली यूनिट भी लगी हुई है, जिससे क्या होता है कि उस पानी में खनिज वगैरह मिलाए जाते हैं जो कि पीने में आपको और ज़्यादा अच्छा, उसको हेल्थ के लिए अच्छा बनाया जा सके। जब इतना करने के बाद में फिर जाकर वो पानी पीने के योग्य बनता है और आप पीते हैं। इस मशीन की खासियत ये है कि इसको किसी एक जगह पर भी लगाया जा सकता है या किसी मूविंग आर्टिकल पर भी लगाया जा सकता है। इसका यूज़ ऐसे हो सकता है कि जैसे दिल्ली में जो बसें चलती हैं उनकी छतों पर अगर इसको लगाया जाए तो ये क्या करेगा कि एटमॉस्फेयर में जो भी ह्यूमिडिटी होगी उसको पानी में कन्वर्ट करेगा और आराम से बस में लोग जिसको पानी की ज़रूरत है वो पानी पीने योग्य ले सकता है। इसकी क्षमता 30 लीटर, 100 लीटर, 500 लीटर और 1000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के साथ में ये मशीन उपलब्ध है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। तो इसको BEL ने डेवलप किया है, नाम एक बार फिर से देख लो, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर इसका नाम है। ठीक है, UPSC वाले बच्चे इसको जरूर करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्यूचर फॉर नेचर 2019 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर ये देखो, फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 है, ये दिया गया है दिव्या कारनाट को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, दिव्या कारनाट को फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका फोटो आप देख लेंगे, फ्यूचर फॉर नेचर, नाम से ही पता चल रहा है कि नेचर यानी कि प्रकृति को लेकर इन्होंने कुछ काम किया होगा जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला होगा। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये अशोका विश्वविद्यालय में पर्यावरण अध्ययन की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है, इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने समुद्री संरक्षण के लिए काम किया था, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, बाकी और चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये अवार्ड फ्यूचर फॉर नेचर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये फाउंडेशन क्या है? ये फाउंडेशन ऐसे लोगों को सम्मानित करती है जो प्रकृति की संरक्षण को लेकर काम करते हैं, और उनको पैसा भी प्रोवाइड कराता है रिसर्च के फील्ड में कि अगर आप प्रकृति से संबंधित कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको पैसा भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हिप्पोकैम्प, एक जिसे हाल ही में खोजा गया है, किस ग्रह का चंद्रमा है? तो देखो, जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा होता है, ऐसे ही बहुत दिनों से वैज्ञानिक लोग कोशिश में लगे हुए थे खोजने की, एक और चंद्रमा की खोज हो गई है जो कि नेपच्यून ग्रह के पास में पाया गया है, तो वो नेपच्यून का चंद्रमा है। ठीक है, जैसे हमारा मून जो पृथ्वी का मून है उसको बोला जाएगा अर्थ का मून, इसी तरीके से नेपच्यून का भी एक मून खोज लिया गया है। अब कभी कभी आपके मन में सवाल आता होगा, देखो ये रहा नेपच्यून और ये रहा छोटा सा उसका चंद्रमा, कि सर इतने दिनों से ये रिसर्च चल रही है अभी भी हमको ऐसी चीज़ें सुनने में आ जाती हैं कि ये चीज़ खोज ली गई। एक्चुअली में जो हमारा अंतरिक्ष है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको समझ पाना हमारे, हम लोग साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। ऐसा मान सकते हो कि छोटी वाली जो धूल का कण होता है, मतलब बहुत सारी धूल फैली हुई है, उस धूल में छोटे से कण के बराबर होती है अपनी पृथ्वी। तो इतने बड़े एटमॉस्फेयर यहाँ पर ब्रह्मांड में हर चीज़ आसानी से नहीं खोजी जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो चंद्रमा की खोज हुई है इसको सेटी नाम की एक इंस्टीट्यूट ने खोज निकाला है। ये जो इंस्टीट्यूट है सेटी, ये क्या करता है,
ये वायुमंडल में खोज करता है, वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, इन सब को लेकर खोज करता रहता है और आए दिन कुछ ना कुछ नया ये खोजता रहता है। अगला क्वेश्चन है IESF, ठीक है, विश्व कप 2019 में अपूर्वी चंदेला ने निशानेबाजी की किस प्रतिस्पर्धा में पहला पदक जीता है। तो यहाँ पर उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में निशानेबाजी में पहला पदक जीता है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इनका फोटो भी आपको दिखा देते हैं जिन्होंने 10 मीटर में ये अवार्ड जीता है। तो आगे चलते हैं इसी तरीके से। चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण एवं अन्य संबंधित सेवाओं के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो अभी देखो, मतदाता का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको लेकर चुनाव आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिसका नाम है 1950। तो आप लोगों को भी अगर मन में कोई शिकायत है पंजीकरण को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो आप इस नंबर पर फ़ोन लगाकर अपना सॉल्यूशन मांग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मधुमक्खी जिसका नाम है वैलेस विशाल मधुमक्खी, 40 वर्षों के बाद फिर से किस देश में खोजी गई है? तो यहाँ पर ये जो वैलेस विशाल मधुमक्खी है इसको इंडोनेशिया देश में खोजा गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि विश्व की जो सबसे बड़ी मधुमक्खी है वैलेस मक्खी, इसको इंडोनेशिया ने खोज निकाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल जो हमारी मक्खी होती है वो इतनी बड़ी होती है कंपैरेटिवली, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो मधुमक्खी खोजी गई उसका साइज़ आप देख सकते हैं 2 से 3 गुना बड़ा इसका साइज़ है। तो इसको अभी इंडोनेशिया में खोजा गया है। तो दोस्तों ये तो थे आज के करंट अफेयर्स, आप लोगों के लिए लगा रहता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए। अब शुरू करते हैं रिवीजन। देखो हाल ही में BCCI ने अपना नया लोकपाल यानी कि ओम्बडसमैन किसे नियुक्त किया है, जल्दी से कमेंट करके बताना ना भूलें। हाल ही में EPFO ने कर्मचारियों के लिए ब्याज दर में 8.55 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? हाल ही में एक रिसर्च में कितने भारतीय लोग दूषित पानी, धातु प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं? जल्दी से सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देना और करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड कर लेना, परचेज कर लेना, क्योंकि किसी भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको टारगेट स्टडी IQ चैनल पर मिलेगा।